अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ये मेरा पहला रमजान है यूट्यूब वालों के साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप सब खुश होंगे। ये मेरी सफाई चालू है, इधर रमजान की तैयारी चालू कर दी है मैंने, मगर हम थोड़ा लेट हो चुके हैं रमजान की तैयारी के लिए, बहुत ही लेट हो चुके हैं हम लोग, तो इसलिए बहुत भाग भाग कर मैंने ये तैयारी की है। बस पूरा दिन मैंने क्लीनिंग ही की है, पूरा क्लीनिंग में ही निकला है मेरा पूरा दिन। ये मैं कांदा बटाटा जिसमें रखते हैं, जो रैक होता है, उसको मैं पूरा धो रही हूँ, धोने वाली हूँ अभी। अभी इसमें से मैंने निकाला है, इसको धोना है मुझे क्योंकि रमजान के दिन बहुत ही कम बाकी रह चुके हैं। रिलेटिव्स जो है हमारे, उनके यहाँ कुछ मसला हो गया था तो इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ गया था, तो इसीलिए वहीं जा रहे थे बार बार, हमें सुबह शाम जाना पड़ रहा था वहाँ, इसलिए हमारा ये लेट हो गया और मैं बहुत भाग भाग के काम कर रही हूँ अपने। बस उम्मीद है कि सारे काम हो जाए। आज मैंने बस क्लीनिंग ही करी है पूरे घर की, मेरे और भी दूसरे बहुत से काम बाकी है, बहुत सारे काम बाकी है, शॉपिंग बाकी है, रमजान की पूरी पूरा बाकी है। ये मैंने बाथरूम में रख दिया है, इसे अच्छे से धोऊंगी, और ये धोना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक 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 इसकी जो रॉड है वो धोनी पड़ती है। देखिए मेरा काम चालू हो चुका है, माशाल्लाह हंसते रहूंगी। बहुत खुश हूँ, उससे पहले थोड़ी सी मैं परेशान रहा करती थी। आप लोगों से मिलके मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों से मिलके खुशी इस बात की है कि ये सब बातें मैं शेयर करती हूँ, आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना ये सब चीज़ें। ये देखो अभी मैं बात कर रही हूँ, साफ कर ली हूँ मैंने।
बटाटे रख दे। मेरे घर में बटाटे बहुत ही कम यूज होते हैं, बच्चों के टिफिन के लिए तो चलो यूज कर लेती हूँ, ज्यादातर बच्चों के टिफिन के लिए ही ज्यादा यूज होते हैं बटाटे, खाते हैं। स्टॉक में रखिए सब कुछ भर के। और मेरे घर में है ना कैसा है कि रमजान से पहले मैं हम लोग फ्रिज वगैरह में कुछ भी ऐसा फ्रीजर करके नहीं रखते। मेरे घर में ऐसा ये एक रूल है, जो भी खाना है फ्रेश, जो भी करना है सब फ्रेश। अगर शाम की इफ्तारी है तो उसको सुबह सुबह हम लोगों को रेडी करना पड़ता है, शाम के लिए हम लोगों को सुबह में रेडी करना पड़ता है। ऐसे कुछ फ्रीजर वगैरह हम लोग नहीं करते, हमारे यहाँ पे ऐसा ही चलता है, सब फ्रेश फ्रेश ही चाहिए होता है। हाँ, जो बाहर होते होंगे जिनको चलता है कि फ्रीजर करके रखें उनके पास उनको, तो उनके लिए ठीक रहता होगा। सबके अपने अपने घर की बातें हैं। अब देखो ये मैं किचन का जो टाइल्स है वो साफ करने आई हूँ, किचन की पूरी टाइल्स वगैरह साफ कर रही हूँ। आज के दिन मुझसे जितना हो सकेगा सारा काम करूंगी मैं, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ ये काम करने में, रमजान की तैयारी के लिए मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है रमजान पर, फर्स्ट टाइम वीडियो है ये मेरा जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है मेरा, तो समझ सकते हैं आप मैं न्यू भी करिए, साफ सफाई का ख्याल रखिए। जितना भी अपने घर में घर के बाहर जो भी है गंदगी वगैरह, गंदगी से बचे, साफ साफ सुथरी चीजें रखिए। ये तो मैं रोज धोती हूँ वैसे, किचन का ये एरिया जो नल के ऊपर होता है बेसिन के ऊपर, मगर आज पूरा अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। साफ करिए, मैंने इसका ही शूट किया है, टाइल्स मेरी यहीं से नहीं हुई है, पूरी टाइल्स साफ हुई है। अब ये मैं पूरे बिस्तर समेटने आई हूँ, बिस्तर अपना ठीक करने आई हूँ इस वक्त में, बस जल्दी जल्दी भाग दौड़ में हो रही है कहानी। सुबह का टाइम रहता है, स्कूल वगैरह भी होते हैं बच्चों के, मैंने खुद सिया है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ।
हाथ लगते जा रहा उतना उतना करते जा रही हूँ। अल्लाह हम सब लेडीज को हिम्मत दे, खुदा हम सब कामयाब हो और इबादतें भी खूब करें। आमीन सुम्मा आमीन। किचन, मेरे किचन में अभी कलर का काम आधा बाकी है क्योंकि वो जो अंकल थे उन्होंने कहा बेटा मैं आता हूँ मेरे हस्बैंड से, तो मेरे हस्बैंड को फोन लगा रहे वो फोन ही नहीं रिसीव कर रहे, तो अब क्या करें समझ में वो नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए, रमजान भी है कैसे करें, कलर का काम हो रहा है बाकी है, हॉल हॉल कर दिया उन्होंने, किचन बाकी है। ये मेरा वन रूम किचन घर है, बहुत ही छोटा सा घर है, कमेंट करके बताना कि आपको मेरी क्लीनिंग कैसी लगी। ये मैंने झाड़ू लगाई है पूरे घर की, गैलरी से भी मैं पूरा लेकर आई हूँ, सफाई हो गई, मेरी झाड़ू वगैरह लग चुकी है, ये मैं आई हूँ मेरे बाथरूम की तरफ, बाथरूम की भी सफाई करनी है मुझे। ये जो सामने कपड़ा लगा है मेरा, अच्छे से कांच वगैरह का काम हुआ हुआ है तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है तो इसलिए कपड़ा लगा है वहाँ पे। और ये मेरे बाथरूम की टाइल्स हो रही है, ऐसा हो गया है ना कि बस जल्दी जल्दी कैसे भी काम हो जाए, कोई भी चीज़ गंदी नहीं रहनी चाहिए जान रात से पहले, ऐसा हो रहा है। साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा कोरमा भी बना लिया था भाग भाग दौड़ में, क्योंकि बाहर का खाना नहीं
चुका है, इसमें ज्यादा मैं पानी तो नहीं डालूंगी, हल्का ही रखूंगी। देखिए माशाल्लाह पूरा घर मेरा क्लीन हो चुका है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले कैसा था और अभी कैसा है। माशाल्लाह पूरा मेरा बेड, विंडो सब कुछ क्लीन हो चुका है। देखिए मेरी बाहर गैलरी भी दिख रही है, चेयर रखी है, अच्छा लगता है। दूर से थोड़ा दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये है मेरा किचन। मेरे किचन का काम बाकी है,